तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मैंने एक हाइलाइट्स अपने सेकंड चैनल पे डाली थी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से इस वीडियो के बाद उसको चेकआउट कर लेना। तो सबसे पहले जो TSM है उसमें शेडो ने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था मोस्ट एग्रेसिव टीम, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एंड इसी चीज़ के ऊपर जो नियो है उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। एक्सो मोस्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ इंडिया एंड TSM एक टूर्नामेंट के बेसिस पे मोस्ट एग्रेसिव टीम ऑफ इंडिया। एग्रेसिव है वो, नो डाउट, अनडाउटेडली 33 किल्स निकाले तो उन लोग मजाक नहीं है। उन लोग के प्लेयर्स इतना मारते हैं, हर उनका कोई भी चिकन डिनर 10 किल के नीचे का नहीं रहता। एग्रेसिव, मोस्ट एग्रेसिव के लिए कॉन्स्टेंट, अगर देख रहा है एग्रेसिव के लिए कॉन्स्टेंट। जोनाथन क्यू बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हर दूसरे टूर्नामेंट में, MVP MVP MVP। तो मोस्ट एग्रेसिव टीम ऑफ इंडिया बनने के लिए हर टूर्नामेंट में हाइस्ट किल से लगातार, और अगर हम लोग को बीट करना है तो 3 साल तक बनना पड़ेगा कम से कम मोस्ट एग्रेसिव टीम ऑफ इंडिया। 2019 2020 2021, कौन सा साल चल रहा है, 2022, 3 साल। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को 1x के बारे में बताने वाला हूँ, स्ट्रीम पे बताई तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। सीड को लेके तो सीड से बात हो गई थी मेरी, जब लास्ट टाइम सीड हुआ था तब सीड से बात हुई थी मेरी। सीड ने बोला कि कब तक हम इसे डिसाइड करेंगे कि झगड़ा ना करे। मैंने बोला भाई ठीक है, फिर कब तक ये माइंड फक पे ध्यान देने का, हम भी कुछ नहीं बोल रहे, तुम भी कुछ मत बोलो, वो सड़े में गेम पे फोकस करते, कब तक ये माइंड फक पे फोकस करेंगे। एंड इसके बाद जो घातक भाई हैं उन्होंने बात करी थी गॉडलाइक की टीम में चेंजेस के बारे में, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। टीम मतलब आप वही बोल रहे हो ना, टीम में क्यों चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस की वजह। देखो टीम में चेंजेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग वो टीम जीतने के लिए काम कर रहे हैं वो सिर्फ टीम के 4 प्लेयर का डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हर एक प्लेयर का एक बैड फेज आता ही है और वो प्लेयर कभी ना कभी किसी टूर्नामेंट में फिर से MVP भी बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो चलते रहता है, इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। क्या होता है कभी कभी कुछ प्लेयर्स बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कभी कभी कुछ प्लेयर्स को फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी, मतलब देयर आर सो मेनी इश्यूज। ऐसा नहीं है कि बाबा एक टूर्नामेंट से किसी को जज किया जा सकता है, ठीक है। इसी के बाद हमारे में भी टीम में थोड़े बहुत हम लोगों ने चेंजेस करने का सोचा था, मतलब कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा ये हुआ, बट यस फाइनली हम लोगों ने गिल को ऐड किया और 5 लोगों का एक प्रॉपर टीम बना लिया। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ चीजों पे वर्क करना स्टार्ट किया, बट नहीं हो रही थी प्रॉपर वो चीजें। तो एक टाइम देने का सोचा मैंने सारे बंदों को कि भाई तुम लोग पहले एक दूसरे का गेम समझो, मतलब जो हमारा नया एडिशन है गिल वो किस टाइप का गेम प्ले करता था पहले, अभी कौन सा टाइप का गेम प्ले हमारी टीम का चल रहा है, तो वो अडेप्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस यही है, जो चेंजेस रहते हैं वो म्यूचुअली होना चाहिए। एक जो एंड इसके बाद जो वीरू है वो हमारे को खेलते हुए दिखाई दिए एनिग्मा के प्लेयर्स के साथ, तो वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। एंड मेरे को जहाँ तक लीक्स मिली है वो वहाँ पे ट्रायआउट्स वगैरह दे रहे हैं। एंड इसके बाद आप लोगों ने यार एक चीज नोटिस करी होगी, जो घातक भाई है उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक 5-man लाइनअप बना लिया है जिसके अंदर गिल है, बट उन्होंने वीरू की बात नहीं करी थी। एंड इससे पहले जो वीरू है वो टीम फॉरएवर के अंदर ट्रायआउट्स दे रहे थे, एंड अब वो हमारे को एनिग्मा के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो गॉडलाइक को लीव करने वाले हैं नहीं, तो आप लोग ये चीज कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बाद बहुत लोग बोल रहे थे कि जो स्नैक्स है उनको रिप्लेस करना चाहिए टीम एक्सो में, एंड किसी और प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो इसी चीज के ऊपर जो स्नैक्स है उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते। एक और चीज आजकल बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, बोलते हैं कि चलिए ठीक है स्नैक्स बहुत ज्यादा पुराने प्लेयर है, अभी वो एक्सो में गए, एक इवेंट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट दूसरे तीसरे इवेंट में वो डाउन पड़े, तो इसका क्या मतलब है कि आपको रिप्लेस करके किसी और को मौका देना चाहिए कुछ इस तरीके से, या आप उस चीज को थोड़ा पॉजिटिव वे में ले रहे हो और बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं। मैं मेरे पास के बारे में बात करूं तो हाँ, लास्ट 6 मंथ में जब VLT में था तो मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, टीम परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा था, उसके बाद मैंने चेंज किया एक्सो में आने वाले। एक्सो में आने वाले मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट हम लोग जीते, उसके बाद सेकंड टूर्नामेंट भी हम लोग रिसेंटली जीते। एक्सो में आने वाले जो मेरे में कमी थी, मतलब जो मेरे को ऐसा कमी लगती थी सारी हट गई, मेरे को जैसा फ्री स्टाइल चाहिए था, जैसा गेम प्ले चाहिए था जो मेरे माइंड सेट को सूट करे, वो सब कुछ मिल गया मेरे को इधर मेरी टीम में, सब कुछ बेस्ट है मिली, एंड आ रहा है परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा। एक्सो में आने का अच्छे तो ऑफकोर्स आ रहा है, हाँ पहले की बात करें कि लास्ट 6 मंथ मेरे बहुत खराब गए थे, कोई भी टूर्नामेंट में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, फाइट्स नहीं जीत पा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, बट एक्सो में आने के बाद मेरे सारी चीजें वो सॉल्व हो गई, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट का ही है मैं, #1 का है मैं, एंड एक्सो के साथ जरूर वो पूरा करूं।
एंड इसके बाद जो शेडो है उन्होंने बात करी थी टीएसएम के अंदर न्यू प्लेयर की एंट्री के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला था वो भी आप लोग देख सकते हैं। शेडो, आपके टीम में मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए चार फिक्स प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं खेलते हुए, कितने परसेंट चांसेस है कि जब हमारा बीएमओ से शुरू हो रहा है उससे पहले कि दो की अनाउंसमेंट ऐसे कर दी जाए कि हां ठीक है अब तो 6 मैन हो गए टीएसएम? नहीं, एक की अनाउंसमेंट अब तक हो जाएगी, नहीं एक को देख रहे हैं हम लोग, उसकी तो अनाउंसमेंट हो जाएगी, सिक्स्थ का अभी तक कोई आईडिया नहीं है। मैं सोच रहा था आप कुछ लीक्स देंगे हमारी ऑडियंस को कि ठीक है कुछ ऐसा लीक्स चाहिए, हमको भी लीक्स चाहिए। हां सबको लीक्स चाहिए भाई, कम से कम आप देखें आपके प्रतिद्वंदी सामने बैठे हुए हैं वो भी तो रीड करेंगे ना कौन सा प्लेयर आ रहा है तो वो कैसा अच्छा खेल रहा है। हमने अभी खुद फिक्स नहीं किया है, वो बाद में फिक्स करी जाएगी। एंड इसके बाद आप लोगों को भी देखने को मिल रहा होगा बीजीएमआई के अंदर बहुत सारी टीम्स में इन गेम राइवलरी हमारे को देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज के ऊपर जो थक भाई एंड घातक भाई है उन्होंने बात करी, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। हम देखते हैं इन गेम राइवलरी बहुत सारी चलती है, मैं आप तीनों से इस चीज के बारे में जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं थक से जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो टीम के बीच में इन गेम राइवलरी चल रही है उसको देखते हुए जो ऑडियंस है वो अलग पीक पे पहुंच जाती है, तो आपको लगता है कि इससे वो लोग मोटिवेटेड होते होंगे जिनके बीच में वो राइवलरी चल रही है, या फिर सोचते होंगे कि नहीं यार गेम के अंदर गेम खेलें या पैन एंड बाकी सारी चीजें करने की क्या जरूरत? मतलब आई थिंक अब ऐसा टाइम आ गया बिकॉज आपने ऑडियंस का बात किया, ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए ट्रॉफी, कंटेंट क्रिएटर के लिए ऑडियंस, आई थिंक माथा नहीं लगाए कि ऑडियंस क्या बोल रही है क्या नहीं, तो इट्स बेस्ट फॉर एवरीवन, गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ, गुड फॉर देयर गेम प्ले, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इन गेम राइवलरीज आर रियली गुड, काफी मजा आता है टू बी ऑनेस्ट, मतलब इवेंट बेस्ड और यू नो क्लैश ड्रॉप, दिस आर वेरी गुड फॉर कंटेंट, मतलब आई एम अ कंटेंट गाय तो मुझे लगता है कि यार काफी सारे हाइलाइट्स, काफी सारे रिएक्शन चैनल को कंटेंट मिल रहा है, अच्छी बात है, मतलब होता नहीं है, पता नहीं चलता, ग्रुप में मैसेज आता उससे पहले एक हाइलाइट मिल जाता है विद कम्युनिटी पोस्ट, तो आई थिंक इट्स रियली फन, तो चलते हैं ना यार, ये होती रहनी चाहिए, इट्स गुड फन, एंड आई थिंक ये प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, और सही है राइवलरी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, अगर राइवलरी एस्टैब्लिश नहीं होगी, हेल्दी राइवलरी इनके एस्टैब्लिश नहीं होगी तो फिर मजा भी खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट्स, आई थिंक यू नो देयर इज ऑलवेज फन when you know the audience looked forward to two teams actually taking a clash drop or having a 4v4, so I think usme maza aaya, right? ab itna time ho gaya, 3.5-4 saal ho gaye yahan pe gaming mein, to farak nahi padta un cheezon se, but maza aata hai dekhe। कम से कम मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है वो भी समझनी चाहिए, जैसे आपने बोला कि 3-4 साल होने वाले हैं, बट कादर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लाइक जो टॉप प्लेयर होते हैं ऑब्वियसली जो भी नए आते हैं सीखते हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जिस तरीके से खेल रहा है हम भी उस तरीके से खेलेंगे, वो जो कर रहे हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे, वो पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ ठीक है वो अच्छा कर रहे हैं, बट जब ये इन गेम राइवलरी थोड़ा सा बाहर निकलती है, थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जाने लगती है दो टीम के बीच में, आपको लगता है वो सही है या फिर उसे रोकने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? रोकने के लिए बहुत सारी चीजें की जा सकती है, बट मतलब अभी क्या कर सकते हैं वो सारी चीजों में, ज्यादा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, बट मैं तो एक मेरी टीम के बारे में एक चीज बोलता हूँ, बस इतना ही है कि मैं कभी आज तक किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट खुद नहीं बना, मेरे टीम वाले को कोई कुछ बोल देता है तो वहां पे मैं खड़ा रहता हूँ, एंड यस मैं हमेशा खड़ा रहता रहूंगा, क्योंकि जब भी हेट मिलता है ये जो इनकम राइवलरीज की वजह से अपने बंदे डबल मोटिवेशन के साथ गेम खेलते हैं, और यस आपने जो थोड़ी देर पहले कहा कि मोटिवेट हो जाता है, यस मोटिवेशन मिलता है, और रही बात हेट की थोड़ा देख लेते हैं हम भी, मजा आता है क्योंकि वो जब देखते हैं ना तो वो जितने भी फाइनलिस्ट थे BGIS में उन सबको इनवाइट मिलने वाला है, तो उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर जो खातक भाई ने रिप्लाई दिया वो भी आप लोग देख सकते हैं। बता देना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को कि इस बार का जो इनवाइट्स एंड बाकी सारी चीजें वो जरूरी नहीं है कि जो हमारे BGIS फाइनलिस्ट थे उनको मिले, वो कोई भी हो सकता है। घातक मैं आपसे जानना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि जो सोच के बैठे हैं कि शायद उनको इनवाइट आ सकता है और वो रजिस्टर ना करें, क्योंकि खुफिया जगहों से पता चली है कि जो इनवाइट है वो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद जाएगी, आप क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? देखो मैं 4 साल से टूर्नामेंट खेल रहा हूँ और मुझे मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है जो ऑफिशियल्स में, तो उन्होंने मुझे पहले ही एक सजेशन दिया था कि कोई भी टूर्नामेंट में अगर तुम लोग इनवाइटेड हो नहीं हो मुझे नहीं पता है, बट तभी भी तुम लोग रजिस्टर करके रखा करो, तो मैं हर टूर्नामेंट से पहले भले ही मुझे पहले ही पता है कि इनवाइट मिलने वाला है स्टिल मैं रजिस्टर करके रखता हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है मुझे पता है, इसलिए रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज। एंड इसके बाद जो मैंने उनसे पूछा गया था कि वो BMOC खेलने वाले हैं, तो इस पे उन्होंने बताया था कि जो उनका प्रोफेशनल लाइनअप है उसके अंदर अमन, वाइपर एंड जो स्लेयर हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उनकी वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। BMC को खेलोगे? यस, हमारी प्रोफेशनल स्क्वाड में शायद स्लेयर और वाइपर रह सकते हैं, बाकी का पता नहीं भाई, रजिस्टर करवा देंगे खेल, ऐसा वाला सीन है, समझ लो प्रोपराइट। एंड इसके बाद जो मेजी है उन्होंने बात करी थी टीम हाइड्रा के बारे में, एंड उन्होंने जो एग्जैक्ट बोला था वो आप लोगों को अल्फा क्लेशर की जो क्लिप है वो देखकर समझ आ जाएगा, एंड मेरे को वो वाली क्लिप नहीं मिली थी, तो इस चीज से जो अल्फा क्लेशर हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो गए थे, एंड उन्होंने ट्रोल किया था मेजी को, तो उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। मुझे ये पूछना है, क्या जो टूर्नामेंट्स होते हैं रिसेंटली इतने,
उनके कास्टर्स ने हाइड्रा को देखना चालू करा, पहले तो ये बताओ मुझे, मस्ती जोन, व्हाट डू यू थिंक? यस यस, इवन दे आर नाउ एनालाइजिंग हाइड्रास गेम प्ले, इवन दे आर, नहीं नहीं वो है एनालाइज वाले, वो व्यूज के लिए करते हैं. अभी कल जाके हाइड्रा देखी तो बोलेंगे क्या पता है, अरे हाइड्रा तो एज ऑलवेज दो क्रिएटर लेगी और दो स्पोर्ट प्लेयर लेगी और फिर वो लोग टीम बना लेंगे, जब होगा तब उसके बारे में बात करेंगे. We don't talk about leeches. Anyways, हाँ, मैं ये बोल रहा था. देख रही है. Yes, देख रही है. अभी भी नहीं देख रही है. Don't worry. थोड़ा time है. खूब बन रहा है, guys. जो सिर्फ like controversies. कभी Rekkles को पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, कभी Hydra को पकड़ लिया. Anything do for sad. एंड इसके बाद जो मेजी है उन्होंने भी एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने इसका रिप्लाई किया था, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा. एंड मैंने आप लोगों को बताया था जो CES है उसके अंदर हमारे को एक न्यू प्लेयर देखने को मिलने वाले हैं, एंड वो रॉबिन होंगे. तो इसी चीज़ की जो फाइनल कन्फर्मेशन है वो आ चुकी है, हमारे को जो अनाउंसमेंट है CES की वो देखने को मिली. एंड जो रॉबिन है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है CES को एज अ IGL, एंड वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं. यार हम ना एक टीम बना रहे हैं और तीन प्लेयर्स हैं हमारे पास एकदम तोड़, हमें बस एक IGL की जरूरत है, तो तू बता दोबारा दौड़ेगा रेस में. एंड इसके बाद जो 8-bit है उसमें हमारे को एक न्यू प्लेयर खेलते हुए दिखाई दिए जिनका नाम पहले NRX सीक्रेट था, एंड अब उन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया एंड उन्होंने 8-bit सीक्रेट रख लिया, एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. तो बस गाइज अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बता दूंगा.